चांद की रोयत का तनाजा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि यह मसला सऊदी अरब, ईरान और यूरोपीय ममालिक में भी उठता है। सऊदी अरब के अंदर और ईरान के अंदर भी रोयत तो मुसल्लम है, वो भी रोयत करते हैं और देखते हैं, और यानी शिया भी और सुन्नी भी, सऊदी अरब भी और ईरान भी। मैं खुद मौजूद था उस साल काफ़ी अरसा पहले कि तरावी भी हो गई और क़ियामुल्लैल भी हो गई, और यकीन था कि कल रोज़ा है। क़ियामुल्लैल के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात गए का टाइम होता है कि इतने में जी तोपों की दागने की आवाज़ें आईं और सायरन बजने लगे। तो हम गए होटल, जब होटल गए तो हमने देखा कि वलीहद खुद मौजूद है टीवी पर, मजहबी उमूर का वज़ीर खुद टीवी पर आया, और उसके बाद जो है खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन खुद टीवी पर आए और उन्होंने पूरी कौम से माफ़ी मांगी। ईरान का जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये कि अगर मतला साफ़ नहीं है, अगर बादल हैं, अगर आलूद है फिज़ा, तो वो हेलीकॉप्टर और एक जहाज़ बादलों से ऊपर भेज देते हैं उनकी मदद के लिए, जो रुयत लाल कमेटी मुंतज़िर है कि वो इत्मीनान हासिल करने के बाद लोगों को आगाह करे, और वो जहाज़ ऊपर जाकर, हेलीकॉप्टर ऊपर जाकर मतला साफ हिस्से में जाकर देखता है कि चांद मौजूद है या नहीं, और इतला कर देता है जी चांद है, तस्वीर ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और ला के दिखा देते हैं जी चांद है। हालिया साल बरतानिया के मुसलमानों ने दो ईदें मनाई हैं। महकमा मौसमियात चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी की रहनुमाई करता है। मैं मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में बैठता हूँ, वहाँ पर उनका जिस वक्त इजलास होता है, और मेरा अपना तजर्बा ये है कि वहाँ पे जो उनके चेयरमैन हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, दुनियावी तालीम हासिल की हुई है, तमाम चीज़ें जानते हैं। यही महकमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली शहादतों को साइंसी बुनियादों पर रद्द या तस्लीम करता है। कैसे, आइए जानते हैं तौसीफ आलम से, जो महकमा मौसमियात सिंध के सरबरा हैं। इसमें बेसिकली मुख्तलिफ टेबल्स होती हैं और उन टेबल से हम लोग कोऑर्डिनेट्स जो है चांद का निकालते हैं, और ये दुनिया जहाँ के अंदर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में इस साल ईद का चांद तो 17 अगस्त को रात 8:54 पर पैदा हो गया, मगर इसके लिए कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में 29 रमज़ान को नज़र आने के कितने इम्कान हैं ये जानते हैं। उस वक्त उसके जो उम्र होगी मगरब के बाद, जिसको हम इवनिंग ट्वाइलाइट कहते हैं, उस वक्त चांद की उम्र होगी कराची के हिसाब से 22 घंटे और 35 मिनट, जबकि इस्लामाबाद में ये 22 घंटे और 22 मिनट है, लाहौर में 22 घंटे 17 मिनट है। ये लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड के हिसाब से इसकी उम्र में फ़र्क आते रहते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि 270 डिग्रीज या मगरिब के वक्त जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा होगा वहीं पे चांद भी गुरूब हो रहा होगा, या इतनी रोशनी के अंदर उसका नज़र आना बड़ा मुमकिन नहीं है आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में चांद नज़र आने या ना आने की बहस सिर्फ एक सूबे की हद तक महदूद नहीं, बल्कि माजी में यहाँ शिया मुसलमान भी दो ग्रुपों में तकसीम हुए और एक ही शहर में दो ईदें मनाई गईं। ऐसे तनाज़े की आम तौर पर क्या वजह हो सकती है, आइए जानते हैं शिया मसलक की नुमाइंदगी करने वाले मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी से। इसकी वजह फतावा में मुज्तहिदीन और मराज तकलीद के फतवों में इख्तलाफ होना है, और उनके फतवों का इख्तलाफ भी फ़न्नी मसला है। बाज़ के नज़दीक मशरक़ और मगरब का मसला है, बाज़ के नज़दीक उफुक शर्त है, बाज़ के नज़दीक रातों का इश्तराक शर्त है, ठीक है, बाज़ के नज़दीक जो है वो अहले फ़न से इस्तफादा अहमियत नहीं रखता, बाज़ के नज़दीक अहले फ़न से इस्तफादा अहमियत रखता है, बाज़ के नज़दीक मशीनी निगाहों से और मुसल्लह निगाहों से और मशीनी आँखों से जो है वो चांद को देखना हुज्जत नहीं है, बाज़ कहते हैं जी नॉर्मल आँखों से और जो अल्लाह ने आँखें दी हैं उन्हीं से देखो। ये कुछ बहस मुबहस हैं जो बहरहाल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जिक्र हो रहा था एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों के इल्म का, जिसे बाज़ लोग नजूम भी कहते हैं। एक तासुर ये लिया जाता है कि सितारों का इलम, चांद का इलम, सूरज का इलम, ये जो उलमा कहते हैं ये कतन हराम है और इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और कुफर है। नहीं, इलम इलम है,
जो चाहे वो जैसे भी है, चांद सितारों के उलूम है और कुरान ने उसको ज़िक्र किया है, और उसके लिए के भाई बयाबान में, सहराओं में और समंदर में इसी चांद के उलूम के ज़रिए से, सितारों के उलूम के ज़रिए से तुम अपने रास्ते तलाश करो। इस इल्म के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन इंसानों के लिए इंतहाई अहम थे। ये वो वक्त था जब चांद ज़मीन से इतना दूर होता है कि दिखाई नहीं देता, यानी अमावस की रातें। जब 3 दिनों में नहीं होगा तो आपके इमोशंस पे अफेक्ट करेगा। नंबर एक, आप नोट करें, सुस्त रहेंगे, ठीक है ना, आपका कहीं आउटिंग को दिल नहीं चाहेगा, ठीक है, और आपका स्पेशली ये आपका मिडल पार्ट ऑफ योर बॉडी, इसमें स्टमक, ठीक है ना, आपका पेट, मैदा, इन चीज़ों पे आपको हैवीपन आपका नोट किया होगा। आपको लगता है यार आजकल तबीयत ठीक नहीं है। चांद की रोयत का तनाज़ा तो हर साल सामने आता है, मगर इस बार तो हद हो गई और पाकिस्तान में 3 ईदें मनाई गई। वो लोग ऐसे हैं कि वो बात मानने को तैयार नहीं होते, रोयत हिलाल कमेटी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होते, और वो ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं तो उस बात को कबूल किया जाए। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 29 रमजान को हुआ और ये ऐलान कर दिया गया कि ईद 20 अगस्त को मनाई जाएगी। आज चांद नजर नहीं आया और यकुम शव्वालुल मुकर्रम 1433 हिजरी यानी ईदुल फितर इंशाअल्लाहुल अजीज सोमवार 20 अगस्त 2012 को होगी। मरकजी और 3 जोनल कमेटियों ने तो इजलास खत्म कर दिया, मगर पिशावर में मुनक्किद होने वाली जोनल कमेटी का इजलास जारी रहा और वो शहादतें इकट्ठे करते रहे। और कुछ देर बाद पिशावर की जोनल रोयत हिलाल कमेटी ने मरकजी कमेटी के फैसले को रद्द करते हुए ईद 19 अगस्त को मनाने का ऐलान कर दिया। हमारे पास अभी मौजूद है एक ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पेशावर की जोनल रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी हिलाल कमेटी से इख्तलाफ हो गया है। कमेटी का कहना यह है कि शहादतें मिल रही थीं, लेकिन मरकजी कमेटी ने इजलास खत्म कर दिया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में चांद के हतमी फैसले का ऐलान अब मस्जिद कासिम अली खान से होना था, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी गैर सरकारी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था। इस कमेटी के पास अब तक 23 मर्दों और एक औरत की जानिब से चांद देखे जाने की शहादतें आ चुकी थी। हालिया चांद ने मरकजी और सूबाई हुकूमत की दूरियों को उस वक्त वाजे कर दिया जब बशीर अहमद बलोर ने मस्जिद कासिम अली खान के फैसले की तायीद करते हुए सूबाई सतह पर 19 अगस्त को ईद मनाने का ऐलान किया। मैं हुकूमत पख्तूनख्वा की तरफ से, वज़ीर आला सूबा सरहद की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस दूरी को दूर करने के लिए माजी में रोयत हिलाल कमेटी ने यकीनन कोशिशें की हैं, मगर उनमें कामयाबी कम हासिल हुई है। इख्तलाफ के हल करने की रोयत हिलाल कमेटी ने हमेशा बड़ी कोशिश की है। वो पीर करम शाह साहब जब रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन होते थे तो वो अजलास पेशावर में रखते थे ताकि वहाँ के लोगों से राबता करके इस इख्तलाफ को हल किया जाए। उन्होंने भी कोशिश की, हर दौर में ये कोशिश होती रही कि वो लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। चांद को अवामी सितारा भी कहते हैं, इसलिए अवाम को इसका सदका निकालने का मशवरा दिया गया है और सियासतदानों को अवाम से दूर रहने का कहा गया है। अब हुक्मरान को चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई जैसे तकरीर कर रहा है या कोई अपना, आजकल तो आपने जलसे का देखा होगा माहौल बना हुआ है, ठीक है, अब जब वो गुरूब के चांद की हालत में करेंगे ना, उनका जलसा फ्लॉप होगा। इसका होता है पानी या दूध, ठीक है, और तीसरी ऑप्शन कर लें कोई वाइट चीज़ जैसे चीनी है, चावल है, वाइट कपड़ा है, ये इसके सदके हैं। दिन है इसका पीर। माजी में तो रोयत हिलाल कमेटी के फैसलों पर हुकूमतें असरअंदाज होती रही हैं, अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमतों का क्या किरदार रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक कभी इस किस्म का कोई तनाज़ा हो कि यानी कि फ़नी एतबार से हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ है और वो किसी और हिसाब से कह रहे हो। हुकूमत उसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करती, चाहे चांद होने का फैसला करें या वो न होने का फैसला करें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली शहादतों का सही होना या गलत साबित होना एक लंबी बहस है। ताहम इस साल तो पाकिस्तान के सरहदी इलाके वजीरिस्तान के मुसलमानों ने सऊदी अरब से भी पहले ईद मना ली। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का
पहला मौका है जब सऊदी अरब में तो रोज़ा रखा जा रहा था और पाकिस्तान के एक हिस्से में ईद मनाई जा रही थी। आम लोगों ने चांद देख लिया है ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मखसूस आदमी लेके आते हैं कि इन्होंने देखा चांद को और ये किया और इनकी गवाही आप तस्लीम करो, तो अगर आप तस्लीम करते हो तो ठीक है वरना हम खुद ऐलान कर देंगे। कम उम्र तरीन चांद सन 2000 के माह अगस्त में 27 घंटे 57 मिनट की उम्र का दिखाई दिया और ये गैर मामूली था, वरना आमतौर पर चांद को दिखाई दिए जाने के लिए उसकी उम्र 35 घंटों से ज़ायद होना ज़रूरी है। कराची पाकिस्तान के उन इलाकों से काफ़ी दूर है जहां आम तौर पर अलग ईदें मनाई जाती हैं, मगर फासले मोहब्बतों को कम नहीं कर सकते। सबसे बड़े मजहबी त्यौहार में इख्तलाफ पर कराची वाले क्या महसूस करते हैं, आइए जानें। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और होने ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जो जैसी ईद बन रही है तो एक ही ईद होनी चाहिए। हिलाल कमेटी बनाई हुई है, सब उलमा उधर ही बैठे हुए हैं और उसी पे अमल किया जाए। अब एक ही मुल्क में जो है ना दो दो ईद मनाए जाते हैं ये तो गलत है। हम लोग मुहर्रम तो 9-10 मुहर्रम का चांद जब नज़र आते हैं तो एक साथ मनाते हैं, लेकिन ये ईद में क्या होता है? ये सरहद पे ईद है, इधर ईद नहीं है, ईद होना चाहिए चारों सुबह में एक जैसा होना चाहिए। इस दफ़ा तो तीन मनाई जा रही हैं, सऊदी अरब से भी पहले मना ली गई है। कौम के अंदर इख्तलाफात पैदा करने वाली बात है, मेरा तो सोच ये है कि एक ही होना चाहिए। एक ही एक हो कि भाई आज ईद है और सब खुशी से मना रहे हैं। बस भाई हमारे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक करें, हम एक हो जाए, हम एक होता नहीं है भाई। खैबर पख्तूनख्वा वाले हों या सूबह पंजाब हो या सूबह बलूचिस्तान या सूबह सिंध, इन सबको एक ही साथ ही करना चाहिए। उसूलन एक ही मुल्क है छोटा सा यार, इसमें क्या अलग अलग ईदें, गलत है ना ये। हुकूमत ने इसमें कमेटी बैठी हुई है, कमेटी ऐलान कर ले तो ईद करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए वो खुद अनाउंस करे कि भाई ईद इस दिन होगी, जिस तरह सऊदीया में होता है उसका गुफारा भी गवर्नमेंट को ही फिर अदा करना होता है। हर मस्जिद का एक मुफ्ती है, वो फतवा दे दे, चांद नजर आ गया वहाँ ईद बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी हर कोई आ जाए शहादत दे दे, उसका जो है ना तफ्तीश होना चाहिए कि यह आदमी का काम क्या है, इस आदमी का रोजगार क्या है, ये आदमी किस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। एक दिन ईद होना चाहिए और ये सारा गलतियाँ जो है ना ये उलमा का है। खुशी तो 29वें चांद की होती है, वरना 30 का तो होता ही है। इधर से चांद तुम देखो, उधर से चांद हम देखें, नज़र से नज़र टकराए, हमारी ईद हो जाए। हम सबकी ईद हो जाए, हमारी नहीं, हम सबकी ईद हो जाए, पूरे पाकिस्तान की एक साथ ही ईद हो जाए।